नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। देश में ओमिक्रॉन का अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 450 से अधिक ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज देश में हो चुके हैं। वहीं अगर राजधानी रांची समेत झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन का दस्तक इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट है वो पड़ोसी राज्य उड़ीसा में होता है। अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं लगातार 3 जिलों में बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नज़ारा है और आप देख लीजिए किस तरीके से हवाई अड्डा पर जो भी यात्री आ रहे हैं उन सबके लिए एक गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस के तहत जो भी उसको फुलफ़िल करता है वो एयरपोर्ट से बाहर चला जाता है, जो फुलफ़िल नहीं करता है वो यहाँ पर जांच करवाता है। और जांच के दौरान यहाँ पर यात्री अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो 72 घंटे बाद आएंगे, लेकिन एंटीजन रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ से आ रही हैं? बैंगलोर। आपका टेस्ट हुआ है? यस। Yes. आप यहाँ पर वेट कर रही हैं? जी। कौन सी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं की थी आप? क्राइटेरिया नहीं, एक्चुअली मैं वी बिलोंग टू अ फोर्स कल्चर, सो टेस्ट इज़ मैंडेटरी, सो आई एम गेटिंग इट टेस्टेड, अदरवाइज बोथ द डोज ऑफ वैक्सीनेशन इज़ डन। जैसा कि हमने यात्रियों से जानने का कोशिश किया तो इनका दोनों वैक्सीन डन है, बट कुछ प्रोटोकॉल के तहत इन्हें जांच करवाना आवश्यक है। आप देख सकते हैं जो भी यात्री या तो सिंगल वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो अपना यहाँ पर स्वैब दे रहे हैं, और जिनके पास दोनों वैक्सीनेशन और 72 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपने जांच में पूरी सहयोग की प्रशासन की? बहुत प्रशासन की बहुत काफ़ी सहयोग है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, हम इससे बहुत काफ़ी खुश हैं। आई एम हैप्पी। देश में हो चुका, हाँ। पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है, इसमें क्या कहेंगे? झारखंड ओमिक्रॉन से अछूता और सबकी अपेक्षा अभी हम बंगलौर से आ रहे हैं, यहाँ बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा व्यवस्था है और जांच की भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। हालांकि यात्रियों में संतुष्टि देखा जा रहा है और यात्री कह रहे हैं कि यहाँ पर जाँच की जो व्यवस्था है वो अनुरूप है और सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। यहाँ के मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्यकर्मी से बात करने की कोशिश। जी, आज की शिफ्ट में कितनी कुल जाँच हुई? अभी फर्स्ट फ्लाइट आई है, यहाँ पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कुल 2 शिफ्ट में काम होते हैं। अभी सेकेंड शिफ्ट 2:30 बजे शुरू होती है, तो अभी फर्स्ट फ्लाइट बेंगलोर की आई हुई है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जिसका फर्स्ट डोज है या आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है वैसे यात्रियों का हम लोग टेस्ट लिए, और फर्स्ट फ्लाइट में लगभग 25 आरटीपीसीआर और 25 एंटीजन टेस्ट, यानी टोटल 50 टेस्ट अभी तक हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में कोई भी पॉजिटिव संक्रमित नहीं थे? नहीं, इस मामले में तो बोलेंगे कि पॉजिटिव के केस एक भी नहीं आ रहे हैं। बीच में हम लोग फेस्टिवल को लेके 100% टेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे, समझा के लोगों को कि बीच में विदेश से लोग आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने सुरक्षा को लेके आप दीजिए सैंपल, और लोग सैंपल भी दिए बहुत आसानी से, मगर हम लोग देखे कि पॉजिटिव केस एक भी नहीं आ रहा है। एक भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर महानगर से आने वाली फ्लाइट्स हैं तो उसमें अत्यधिक लोग आ रहे थे। ओमिक्रॉन को लेकर कोई सख्ती आप लोगों को कोई निर्देश दिया गया? विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन चल रहे हैं बस उसमें यही है कि अगर आप विदेश से भी आ रहे हैं तो इंडिया में आरटीपीसीआर आप कहीं भी कराए हुए हैं तो ठीक है, तो 72 घंटे के अंतर्गत अगर आरटीपीसीआर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग सैंपल लेते ही लेते हैं, और अगर एंटीजन में अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसके लिए कुछ प्रावधान हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है तो स्वेच्छा से हम लोग छोड़ देते हैं। यात्री सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अब जागरूक भी हैं और हम लोग समझाने में भी सक्षम रहते हैं। मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात हैं, आप क्या कहेंगे ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड को कितना अलर्ट होना चाहिए? ये तो विभाग इसको लेकर गंभीर है और लगातार चर्चा के विषय में है, आप लोग के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचती है, और ऊपर के आला अधिकारी जैसा उन लोग निर्देश देंगे वैसे हम लोग उस पर हम लोग। इन दिनों यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा होगा नया साल मनाने का, क्रिसमस का। जी, यात्रियों की संख्या तो बड़ी है मगर लोग उससे ज़्यादा जागरूक हैं और रिपोर्ट लेकर चल रहे हैं, तो ओवरऑल सबका सपोर्ट है, सरकार भी गंभीर है, हम लोग भी अपना काम जो है कर रहे हैं, यात्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी मामला कहेंगे सामान्य ही है, एक आशंका है जिसको लेकर हम लोग भी गंभीर है और ईमानदारी से हम लोग सब लगे हुए हैं। पड़ोसी राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, कुछ पड़ोसी राज्यों में, देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? अगर केस बढ़ते हैं तो विभाग भी अलर्ट है, और यूपी में, मध्य प्रदेश में ये सब में जो न्यूज आया है वहाँ तो संख्या बढ़ रही है,
अभी यहाँ पर अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो ऐसा गंभीर वाली विषय, झारखंड में पिछले 3 दिनों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो तेजी से 3 जिला का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोडरमा, रांची और धनबाद। जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से मैं देख रहा हूँ उसमें तो पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, मगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में ऐसा कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में ही रिपोर्ट आ रहा है तभी न्यूज़ में आ रहा है। जी, तो ये विभाग को ही सोचना है, हम लोग तो इम्प्लीमेंट ही कर सकते हैं, विभाग का जैसा निर्देश रहेगा हम लोग वैसा ही कार्य करेंगे। जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको क्या उनका स्पेशल आप लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं अलग से? उसमें एंट्री होता है, सब कुछ एंट्री होता है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और हम लोग जब रिपोर्ट देखते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है उसको, इंडिया में कब आए हैं और इंडिया में RT-PCR कराएं कि नहीं कराएं। अगर नहीं कराएं तो फिर हम उसको हल्के में नहीं लेते हैं, हम उनका टेस्ट करते हैं 5 मिनट बैठा के, उनका एंटीजन का रिपोर्ट भी देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग छोड़ते हैं। 5 मिनट बैठना होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार अगर जान ले तो उनका ऐसा कहना है कि जो भी यात्री एंटीजन रिपोर्ट देते हैं तो 5 मिनट वो अपने रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही वो इस परिसर से बाहर निकलते हैं। हालांकि जब मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह का एयरपोर्ट पर कोई भी ऐसा संक्रमित नहीं मिला है जो भी पॉजिटिव हुआ हो, और भले ही ओमिक्रॉन का खतरा से अन्य पड़ोसी राज्य हो या अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, लेकिन झारखंड में अभी जिस तरीके से अगर एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए, रेलवे स्टेशन का और शहर के अन्य नज़ारा को अगर देखने की बात कही जाए तो उस नज़ारा को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि झारखंड में उस एक्टिविटी से कर्फ्यू लग जाना चाहिए। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।